सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ विदाउट शुगर खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाने के लिए एक कप बीज निकले हुए खजूर, एक चम्मच घी, दो चम्मच नारियल का बुरादा, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि आधा कप अखरोट, आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, आधा कप काजू और आधा कप बादाम लिए हैं। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे, उस पर पैन रखकर एक एक करकर सारे ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लेंगे और बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। खजूर भी हमने जो लिए हैं उसको भी हम इसके इस मिक्सर के साथ ही पीस लेंगे। अब हमारा मिक्सर बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर पैन रखकर एक चम्मच घी डालेंगे और इस मिक्सर को उसमें डालकर 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब ये मिक्सर भुन गया है। अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको चौकोर शेप देकर इसका एक लॉग तैयार करेंगे। अब हम इस लॉग को चारों तरफ से गोले के बुरादे से कवर करेंगे। हमने गोले का बुरादा चारों तरफ इस लॉक के लगा दिया है। अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा लेंगे, उस पर इसको इस लॉक को रखेंगे और चारों तरफ से कवर कर देंगे और लगभग 2 घंटे फ्रिज में सेट होने रखेंगे। अब लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस
काट लेंगे। अब खजूर ड्राई फ्रूट बर्फी बनकर तैयार है। बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और विदाउट शुगर है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।